हेलो दोस्तों, एमकेएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नया वीडियो लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, इसमें आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट की। तो दोस्तों, यहां पर आरपीएससी ने आज एक और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, फाइनल रिजल्ट है दोस्तों। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रिजल्ट है आज यानी कि 11/9/2024 को जियोलॉजी का जारी किया गया है। इसके इंटरव्यू हो चुके हैं और आज इसका फाइनल रिजल्ट है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको इसकी जो फाइनल कट ऑफ है और जो पिछली जो इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ हुई थी, शॉर्टलिस्ट हुए थे, वो आपको यहीं बताने वाला हूं। और जो बाकी की जो यहां पर वेटिंग लिस्ट है वो भी यहां पर बताने वाला हूं कि कौन कौन से कैंडिडेट यहां पर वेटिंग लिस्ट में है और कितना यहाँ पर कट ऑफ बढ़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मुख्य सूची है वो मैं आपको बता दूँ। इस मुख्य सूची में दोस्तों लगभग 6 कैंडिडेट को यहाँ पर फाइनल रूप से सेलेक्ट कर लिया गया है। और अगर इनके कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर एससी में जो मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 145.74 पर है, और एसटी में मेल की जो कट ऑफ है वो 119.56 पर है, ओबीसी में मेल की कट ऑफ यहाँ पर 162.68 पर है, एमबीसी में मेल की जो कट ऑफ है वो 88.26 पर है, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो मेल की वो 125.14 है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो लगभग 224 यानी कि आउट ऑफ 224 में से है, 200 नंबर का पेपर था, 3 पेपर थे और 24 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू। दोस्तों, ये जनरल का मतलब है यहाँ पर जो मेल है यानी कि फीमेल का ये रिजल्ट नहीं है, केवल मेल का है और केवल मेल यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। सभी का जो DOB है वो यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी मुख्य सूची, अब बात करते हैं इसकी आरक्षित सूची की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आरक्षित सूची है जियोलॉजी की, उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 6 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर पास करके और वेटिंग में यहाँ पर रखा गया है। इनका भी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बताया गया कि क्या कट ऑफ है, यानी कि एससी का वही 140.17 है, एसटी का 113.24 है और ओबीसी का 162.23, एमबीसी का यहाँ पर 160.03 है, वही ईडब्ल्यूएस का 114.92 है। दोस्तों, ये वेटिंग का कट ऑफ है यानी कि इन कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग में लिया जाएगा। अगर वो कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो इन 6 कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग में रखा गया है, इनको बाद में लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है या फिर दोस्तों वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो इन वेटिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। ये दोस्तों जो आरक्षित सूची है वो लिस्ट है। और अब मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे कैंडिडेट, उनकी जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट पहले शॉर्ट लिस्ट हुए थे, लगभग 18 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए, और उनमें से लगभग 6 कैंडिडेट को फाइनल रूप से सेलेक्ट कर लिया है और 6 कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग में रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं तो 114.14 पे इसका कट ऑफ रहा था एससी का, एसटी का 79.33 पे, ओबीसी का 142.23 पे और एमबीसी का 46.83 पे कट ऑफ था, वहीं ईडब्ल्यूएस का 96.24। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग 145 के करीब जो एससी की जो कट ऑफ है वो गई है और इनमें भी लगभग 80 के करीब है ना, तो 145 या 90 के करीब, तो ये कट ऑफ इसका यहाँ पर रहा है। आप देख सकते हो कि कितना अभी कट ऑफ बढ़ा है, ये पहले वाला कट ऑफ है और अभी वाला जो कट ऑफ मैंने आपको बताया था वो फाइनल कट ऑफ इसमें है। तो दोस्तों, लगभग इसमें 10 से 20 या किसी में 2-4 नंबर ही बढ़ रहे हैं, किसी में 10 से 20 बढ़ रहे हैं, 15 या 30 इसमें जो नंबर है वो कितने भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के बाद में कई कैंडिडेट के इंटरव्यू से पहले भी ज़्यादा नंबर होते हैं और इंटरव्यू के बाद में और नंबर मिल जाते हैं, तो इसमें उन कैंडिडेट के क्या होता है कि ज़्यादा नंबर बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी तरह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पल पल की अपडेट है उसके लिए आप जो एमकेएन अकेडमी का यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।